आप सब लोग जोरदार ताली बजा करके नए बच्चों का स्वागत है एकेडमी के अंदर पुराने जो साथ में तो है। हम लोग भाग्यशाली के ग्राउंड से भारत के बड़े स्तर का टूर्नामेंट आयोजित होता है जो दक्षिण तौर से भारत का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। दक्षिण तौर से आज दिन रिवाज यहाँ लाखों भीड़ आती है, 15-20 दिन कार्यक्रम चलता है और लगातार लोग उसको उत्सुकता से उस साल का इंतजार करते हैं कि हमारा कार्यक्रम पर चालू होगा। सब सारे लोग भाग्यशाली हैं जो ग्राउंड में बैठे हैं, जब नजर कितने लोग आगे गए, ऐसे जायसवाल और भी कई लोग हैं और आप लोग भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेहनत के बल पर आप लोग आगे जाएंगे। कहना चाहूंगा कि जो मौका जीवन में ईश्वर देता है बार बार मिलता नहीं, जैसे मासिक क्लास पढ़ते हैं, दसवीं पढ़ते हैं, तो दोबारा उस क्लास में जाके कहीं और जाए, अपने समय का उपयोग करना, अपने हाथ पांव को शरीर को ठीक रखना, मजबूत बने रहना मानसिक तौर से शरीर से, ये बहुत बड़ा काम होता है। तो सब लोग सबसे पहला काम है इम्पोर्टेंट है शरीर को अच्छा रखना, नींद पूरी लेना और जब खेलने आ जाओ चाहे बॉलर हो चाहे बैट्समैन, बैट्समैन अटैकिंग थॉट के साथ ही रहे। आज ही सबसे पहले 100 पहले पांच ही चलता था मैच, हम लोग आ गए वनडे के बाद 20 में आ गए, तो हर व्यक्ति जो दर्शक है चाहे वो टूर्नामेंट के आयोजक चाहते हर बॉल को चौका छक्का लगे, तो अटैकिंग थॉट को हमेशा लेके चलो। और बॉलर के लिए मैं सुझाव देता हूँ कि भले ही नियम कानून के तहत 6 बॉलिंग करना है अपने को कि भाई कुछ खराब नो राइड किया नो बॉल हो गया, तो एक अंपायर एकांत को बॉल मार ही देना चाहिए भले उसके बदले एक रन हमारे चले गए। तो बॉलर को डराना, बैट्समैन को बॉलर को डराना, बॉलर को बैट्समैन डराना, ये काम बंद नहीं होना चाहिए। उसके लिए हाथ पांव शरीर स्ट्रांग होना चाहिए, शरीर अच्छा होना चाहिए और हर परिस्थिति में जीत का आखिर तक जो आखिरी बॉल तक जीतने की उम्मीद करना चाहिए। अगर लक्ष्य छोटा सा है तो बड़ा है तो धीरे सस्ता सामना करना चाहिए, ध्यान रखना। उम्मीद करता हूँ कहने वाले कल बढ़िया हूँ, आप लोग जिस स्पोर्ट्स मैदान में आजाद स्पोर्ट्स क्लब में है यहाँ पे आप लोग का ग्रोथ होगा, आप लोग आगे जाओगे, हर स्टूडेंट कोच भी अच्छे मिले हैं, पूरी कमेटी संजय के साथ नेतृत्व में अच्छा काम कर रही है, इनका उपयोग करो। कोई कमी दिखे जो तुम प्राप्त करना चाहते हो नहीं हो रहा है चाहे मानसिक हो शारीरिक हो उसका सलाह लेना चाहिए, अपने सीनियर्स हो सीनियर उनको सुनना चाहिए, अभी तकलीफ बताना जरूर। अभी शुभकामनाएं, जय हिंद, वंदे मातरम।